क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों तो दोस्तों आज हम आए हैं किस खास जगह में, और यहाँ हम आए हैं और आप लोग को दिखा रही हूँ मैं, ये देख सकते हैं ये एक पार्क भी है और इसे हम एक मंदिर भी कह सकते हैं, इसे विश्वकर्मा मंदिर कहते हैं। ये लगभग ढेकियाजुली टाउन से 1 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ के चारों तरफ ये जो जगह है इसका चारों तरफ चाय पत्ती बागान है और सामने ये बीच में ये एक मंदिर है और इसे पार्क भी कह सकते हैं, मंदिर भी कह सकते हैं। तो यहाँ के लोग मानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद ही एक महल बनाया था और उन्होंने खुद ही ये तोड़ दिया। और इतने अच्छे तरीके से यहाँ देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा पत्थर में नक्काशी किया हुआ है और इतना सुंदर कारीगरी किया है, देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इतना सुंदर ये किस तरह बनाया होगा कि ये भगवान विश्वकर्मा ने खुद ही सजाया था और खुद ही बनाया था और फिर उन्होंने ये खुद ही तोड़ दिया। तो यहाँ के लोग सभी मानते हैं कि ये भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था और उन्होंने फिर से ये तोड़ दिया। तो यहाँ का ऐतिहासिक इस तरह का है दोस्तों, सुंदर है ये पार्क बनाया हुआ है इस तरह का, इधर भी है, काफी लोग भी आए हैं दोस्तों इधर। तो मैं आप लोगों को इस तरह चारों तरफ दिखा रही हूँ और ये काफी सुंदर हरा भरा सा एक पार्क है और बड़े बड़े पेड़ हैं और हम सब फैमिली यहाँ आए हैं और आप लोगों को दिखा रही हूँ, देख रहे हैं इस तरह का है। और काफ़ी तरह इंडियन आर्कोलॉजिकल साइट ने ये अभी ले लिया है और अभी ये उन लोग देखभाल कर रहे हैं और ये आगे चल के और इसके मतलब सर्वे जरूर होगा शायद और हमें और पता चलेगा कि इसका रियल हिस्टोरी क्या है। पर यहाँ के लोग मानते हैं कि ये भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था और उन्होंने खुद तोड़ दिया। तो देखते हैं आगे, तो आप लोग भी जरूर विजिट करिए दोस्तों, यहाँ काफ़ी सुंदर जगह है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आके हमें काफ़ी अच्छा लगा है और मैं तो आती रहती हूँ, मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो हमारा फैमिली इधर बैठा है तो मैं जा रही हूँ अभी इधर। तो हाय हाय कर देना, हेलो। मैं बहुत थक गया गर्म में। अंतरा
अभी खाने को रख। हैशटैग पे क्या क्या करते हुए इधर देखो। ऐसा माथे पर खाओ ना। उसने हमें आधा करी बनाओ देते। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और अभी हम लोग जा रहे हैं। आप लोग ने देखा और कैसा लगा आप लोग को प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। तो मैं फिर आप लोग को दिखा दूंगी। अरे हाथ तो छोड़। नहीं भाई तो अभी हम चलते हैं दोस्तों। और मन में काफी सवाल लेकर कि ये मंदिर किसने बनाया और कब बनाया होगा और ये किसने तोड़ा होगा, ये हजारों लाखों सवाल लेकर मन में अब जा रहे हैं। हो सके हमें कभी हमें पता चलेगा इसका रियल हिस्टोरी। और मेरे पास कोई और रास्ता है। हमें इंतजार रहेगा यहाँ का रियल हिस्टोरी हमें कभी, जब ये भी ये सर्वे हो रहा है और आगे शायद होगा और हमें जानने मिलेगा कि इसका रियल हिस्टोरी क्या है। तो आप लोग भी विजिट कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।